आज आपने बहुत बड़ा इवेंट मिस कर दिया। अगर आप लोग बकौल कांग्रेस के मुताबिक आप बीजेपी की बी टीम नहीं होते तो आपको भी न्योता आता, लेकिन आप बीजेपी की बी टीम है कांग्रेस के मुताबिक, इसलिए आपको न्योता नहीं दिया गया था। आज देखिए कितनी बर्फबारी हुई, उमा जी अगर वहां होती तो कितना अच्छा होता, कि नहीं उमा जी? जी बिल्कुल भाई, देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता इस समय हर डिबेट में हमें तो हमें बीजेपी की बी टीम बताते हैं, लेकिन मेरी समझ से बाहर है। और मैं आपसे भी ये प्रश्न, मेरा प्रति प्रश्न आपसे रहेगा तिलक जी, गुजरात में इतना बड़ा चुनाव था जहाँ पर कि आप नरेंद्र मोदी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के राज्य में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे, और राहुल जी की यात्रा का एक पग भी उस राज्य में नहीं पड़ा। एक तरीके से कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया, एक तरीके से कांग्रेस ने वॉकओवर दे दिया बीजेपी को। वहां पर आम आदमी पार्टी थी जो बीजेपी के खिलाफ लड़ रही थी, और ऐसे में एक ज्ञानी मिली खंबा नोचे की तर्ज पर अगर कांग्रेस ही हमें ये कहे कि हम बीजेपी की बी टीम है, तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे दे दीजिए कि वहां पर राहुल गांधी जी की यात्रा क्यों नहीं पहुंचे। सबसे बड़ा चुनाव गुजरात में, और राहुल जी उसके इर्द गिर्द घूमते हुए, राजस्थान घूमते हुए कश्मीर पहुंच गए, लेकिन गुजरात का रास्ता उनको दिखाई नहीं दिया। इससे तो साफ नहीं होता है कि बीजेपी की शायद कांग्रेस ही बनती थी। यात्रा का ब्रेक हुआ था, खुद राहुल गांधी वहां पहुंचे थे 2 दिन के लिए, कुछ भी बोलते हैं ये लोग भाई। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता से मैं कहना चाहूंगी, जब आप बोल रहे थे मैं बीच में बिल्कुल नहीं बोली, ये वार्ड स्तर का भाषण देना यहाँ कम से कम चर्चा में बंद कीजिए। हम यहाँ पर आपका भाषण सुनने के लिए नहीं बैठे हैं, जो चर्चा है उस पर जब आपका टर्न आएगा। बोल रही है पहुंचे थे 2 दिन का जब ब्रेक हुआ था उस समय। देखिए तिलक जी, इस समय राहुल जी इस यात्रा को लेकर निकले हैं, वो अपनी टूटती हुई साख, अपनी जो साख इस समय कांग्रेस की मतलब दांव खो चुकी है, लगातार हर राज्य में कांग्रेस विघटन में है। भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, एक तरीके से कांग्रेस जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली है। और अच्छा है, हर पार्टी के मुखिया को ये हक होता है कि वो अपनी अपनी पार्टी को आगे लेकर जाए, अपनी पार्टी को अखबार की सुर्खियों में बनाए रखे, और एक विपक्षी का भी धर्म है कि वो एक अच्छी विपक्षी पार्टी हिंदुस्तान में खड़ी करे। और आप तो 137 साल पुरानी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, 137 साल पुरानी कांग्रेस का आज क्या हश्र है पूरे देश में, ये हमसे बेटर कांग्रेस ही खुद जानते हैं।